थाईलैंड के बैंकॉक शहर में एक ऐसा ट्रेन रूट है जहां ट्रेन बाजार के बीचों बीच होकर गुजरती है। ये बाजार फोल्डिंग अम्ब्रेला मार्केट के नाम से दुनिया भर में मशहूर है। तस्वीरों में देखिए कैसे एक संकरे रास्ते से गुजरने वाली ट्रेन की पटरी के अगल बगल सब्जी की दुकानें लगी हुई हैं। आमतौर पर ये सब्जी का मार्केट चालू रहता है, लेकिन जैसे ही ट्रेन यहाँ से गुजरती है वैसे ही दुकानदार अपनी दुकान के पर्दे फोल्ड कर हटा लेते हैं, जिससे ट्रेन आसानी से यहाँ से निकल जाती है और ट्रेन के गुजरने के बाद एक बार फिर बाजार पहले की तरह चालू हो जाता है। वैसे ग्राहक फोल्डिंग मार्केट से सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक अपनी जरूरत का सामान लेते हैं। इस बाजार में सब्जियों के अलावा फल, मीट, सी फूड और राशन भी मुहैया होता है। थाईलैंड टूरिज्म अथॉरिटी के अनुसार इस अनोखे बाजार से ट्रेन एक दिन में 8 दफा आती है और जाती है। ट्रेन 4 बार महाचाई से माइकलोंग जाती है और 4 बार माइकलोंग से महाचाई वापस लौटती है। वहीं एक अंग्रेजी वेबसाइट में छपी जानकारी बताती है कि माइकलोंग स्टेशन बैंकॉक से करीब 80 किलोमीटर दूर है। अगर हम बगैर ट्रेन से ये दूरी तय करते हैं तो हमें 1.5 घंटे का समय लगता है। ऐसे में ट्रेन में सफर करने में ये समय कम हो जाता है। इस मार्केट के अलावा इस इलाके में एम्फावा फ्लोटिंग मार्केट भी लगता है, जो शुक्रवार से रविवार तक दिन के 2 बजे से रात के 3 बजे तक खुला रहता है। बहरहाल अम्ब्रेला मार्केट को देखने के लिए दूर दराज से सैलानी आते रहे हैं, जो इस अनोखी घटना का वीडियो या फोटो लेते हैं और ये अनुभव यकीनन उनके लिए काफी यादगार रहता है। वीडियो डेस्क amarujala.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार।